हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज मैं करने वाला हूँ अपने लाइफ की सेकंड ट्रेन जर्नी। पहली ट्रेन जर्नी मैंने करी थी भाई राजधानी की, वो की थी मैंने थर्ड एसी में, उसकी 2500 रुपए की टिकट थी। लेकिन आज जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ ना भाई, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, 17 घंटे की मेरी जर्नी रहेगी। मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर। तो LTT BBBS ऐसी कुछ ट्रेन है, पता नहीं भाई, कल मैंने तत्काल में बुक करी थी तो मेरे को 3300 रुपए की। मैंने इस बार फर्स्ट एसी करी है, थर्ड एसी का मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, सेकंड एसी का मुझे लेना नहीं है क्योंकि मुझे जहां तक लगता है थर्ड एसी जैसे ही रहता है। थर्ड एसी में क्या रहता है, 3 वो कोच से बने रहते, मतलब स्लीपर में एसी फिट कर दिया तो वो थर्ड एसी बन गया। अब वो 3 सीट की जगह 2 सीट डाल दोगे तो वो हो जाएगा भाई सेकंड एसी। लेकिन आज फर्स्ट एसी में सोचा कि यार देखता हूँ, चलो यार जहां पे मैं जा रहा हूँ 10000 रुपए की टिकट थी फ्लाइट की, मतलब प्लेन की। ट्रेन की मिल रही थी 3300 रुपए की। तो टाइम अपने पास, आपको पता ही है, बेरोजगार आदमी कोई दिक्कत है नहीं भाई। तो 17 घंटे ट्रेन की जर्नी और एक एक्सपीरियंस भी सही, आगे तो पता नहीं लाइफ में मौका मिले ना मिले। तो भाई मेरी ट्रेन है 1:40 की, अभी हो रहे हैं 1:12:20, तो मेरे पास 1:20 है। तो भैया ऑल सेट, अपना बैग ले लिया है। पर मैंने आज तक एक बात नहीं समझ आई मेरे को, ये मेरा रूम है जैसे, इसमें स्मोकिंग जोन का क्या मतलब है भैया? ये रूम मेरा जैसे ये है, इसमें स्मोक कहाँ है, कौन सा जोन है स्मोक करने का? What is this nonsense? शायद यार यहाँ पे लगाते, नहीं मुझे लगता है ये बालकनी को कह रहे होंगे स्मोकिंग जोन, तो यहाँ लगाते हैं यार। यहाँ मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आएगी, स्मोकिंग जोन। चलो भैया, मैंने ना ट्रेन के लिए पहले ही अपना इंतजाम कर लिया, ये देखो पूरा मंगवा लिया मैंने सामान, क्योंकि मुझे पता है ट्रेन में पिछली बार कुछ नहीं मिला। यहाँ पे भाई बिरयानी फिरयानी, मतलब वेज वेज, और ये KFC थोड़ा सा ले लिया है। भाई पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे और अपना 30 नंबर पे आएगी मेरी वाली ट्रेन। ये प्लेटफॉर्म ऊपर से जा रहा हूँ, तो ये खतरनाक रिश्ता। देखो कोयला, कोयला लेना भाइयों को ले जाओ, यहाँ से जितना मर्जी खड़ी है मालगाड़ी यहाँ पे। ये जंक्शन है भाई, ये कौन सी रेल है, मस्सी वंदे भारत, किसी ने वंदे भारत देखनी हो भाई, ये मलूक है ट्रेन, तो देखने में इंटरनेशनल लेवल की सी लगती है। तो भैया ऐसी भीड़ ना देखी मैंने कभी किसी स्टेशन पे, गाड़ियों जैसा ट्रैफिक लगा रहता है ना। अरे भाई इस प्लेटफॉर्म पे उतरना भाई मुझे भी, इतना क्या यार देखना, अरे कमाल है यार। हट, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे पहुंच गया हूँ जहाँ से हमारी ट्रेन आनी है। अब करता हूँ वेट, बस 10 मिनट में ट्रेन यहीं पर आ जाएगी भाई। भाई मुँह से देखो कितना मोटा, यहाँ पे ट्रेन में चढ़ा है कोई, खा खा के की से मोटा है रो। ये आ गई भाई मेरी ट्रेन 1:50 पे, मतलब लेट हो गए 10 मिनट, पर फिर भी ठीक है यार। आजकल इंडियन रेलवे बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, सुधर गई है। मुझे अपना H1 ढूंढना है जो फर्स्ट एसी होता है। देखो भाई ये एसी 2 टायर में कर सकता था, अभी फ्री आगे गया। ट्रेन में किसको जाना है यार, ये भाई भुवनेश्वर से लोग क्या मान्य तालिक, ये कोई महाराष्ट्र में जगह पड़ती है वहाँ से चलती है ट्रेन। 2 टायर 1 का एक ही डिब्बा होता है क्या, बस शायद होता होगा भाई, पता नहीं मुझे, तो फर्स्ट टाइम है मेरा, लाल रंग की ट्रेन है, लाल लाल। चलो भैया चढ़ता हूँ अपने डिब्बे में, ये देख लो आप फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट एसी कैसा रहता है लेट्स सी। तो सबसे पहले भाई इस तरीके का डोर होगा, उसके बाद A B C D, तो ये B है भाई, इसे स्लाइडिंग एक डोर रहता है ये देखिए इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पे होती है इस तरीके से 2 सीट्स, 1 2, तो मतलब भैया हमको चाहिए फुल प्राइवेसी, तो इसलिए इसको कर दो बंद, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और फिर आप आराम से इस तरीके से, मतलब इसमें चटकनी भी लगती है जो ट्रेन में चटकनी, और उसके बाद आप ऐसे बंद कर लिया आपने, और ये अब सब आपका फुल प्राइवेट। यहाँ पे जो ये सब रहता है ना, इसको भी आप ऐसे कर लो बंद, तो भैया कोई ना देखेगा मेरे को, ये देखो। और ये मेरे अकेले को मिला है भाई, मज़े वाली ज़िंदगी है, यहाँ अपना खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा भैया, फुल मौज है यार। 3300 रुपये दिए हैं पर वर्थ रहता है यार भाई, पैसा बोलता है, मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में पैसा कमाओ, मौज लो, जुआ सट्टा मत खेलो, क्रिकेट में पैसा मत लगाओ, इजी मनी मत ढूंढो, और ऐसे मौज लो। ट्रेन में भी अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर चढ़ के यहाँ पे सो सकते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए पानी की बोतल रखने के लिए सारा सिस्टम पूरा सेट रहता है यार। अब जस्ट 5 मिनट में चलने वाली है ट्रेन, स्वाद आ जाएगा यार। 17 घंटे की जर्नी है भुवनेश्वर तक की, 17 घंटे मेरा घर यही रहेगा सुबह 7 बजे तक। देखते हैं कैसी सेवा पानी रहती है इनकी, क्या खाना पानी में क्या क्या देते हैं, कैसा क्या सिस्टम रहता है। ये देखो भैया 2 बजते ही चल दिए हम यहाँ से, टाटा बाय बाय। बस केवल 5 मिनट रुकती है ये ट्रेन एक स्टेशन पे, ओनली 5 मिनट्स, और अब रुकेगी अगले स्टेशन पे 3 घंटे बाद।
इसके ज्यादा स्टॉप है नहीं बीच में, ये रईसों के लिए लिटिल लिटिल सा, भागे जाओ भागे जाओ। आई एम अ रईस। देखो भाई ट्रेन चालू होते ही पहले हमारे जो क्लोज के कवर वगैरह जो यूज्ड बंदे थे मतलब उनका चेंज किया जाता है पहले यहाँ पे। तो भैया आ गए अपने आप और ये कवर और चेंज कर देंगे आप। फुल मजा आ रहा है भाई। पता है भाई जब आप फर्स्ट एसी बुक करने जाते हो ना आपके पास चार ऑप्शन रहते हैं, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, केबिन और कूप। मुझे कुछ नहीं पता था तो मुझे कूप थोड़ा अच्छा लगा देखने में सुनने में, जैसे गाड़ियों में हमें कूप अच्छा लगता है तो मैंने कहा देखी जाएगी यही कर देता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता है कूप है केबिन है क्या है क्या नहीं, आपने देख ही लिया, पर जैसा है बढ़िया है। यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग के लिए ये सब भी दे रखा है, ये पता नहीं इनसे क्या होता है, CSPS मुझे नहीं पता, मैं छेड़ भी ना रहा। ये तो लाइट के हैं, हाँ ये तो लाइट के हैं, ये पता नहीं ये तो घंटी शायद पल्ला नहीं था होगा किसी को, ये चार्जर वार्जर हो गया। एक चीज़ और देखी थी मैंने यहाँ पे, ये क्या है स्पीकर सा वॉल्यूम लिख रहा है इस पर, अब मैं इसको जैसे बजा रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा इससे, ऐसे तो मैं तहकीकात कर चुका इसकी। और यहाँ पे लैंप भी है एक, जैसे पढ़ना पढ़ना हो, जैसे मैं बहुत पढ़ता हूँ, जैसे पढ़ूंगा किताब लेके बैठूंगा अपना IIT की तैयारी करने तो वो मैं ऐसे जला सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी इतने में, अब मैं जग गया दोबारा से, नींद तो कंफर्टेबली आ जाती है ट्रेन में। ये देखो मैं कितना बड़ा शेफ हूँ, मैंने खुद से कॉफ़ी बनाई है इसमें। पहले भाई अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो मैं बताता हूँ, पहले थोड़ी कॉफ़ी डालो नेस्कैफे के एक दो पाउच, थोड़ी चीनी डालो और ये दूध आते हैं 10 रुपये के अमूल फमूल के, ये ख़राब नहीं होते, इसको डालो। मैगडी का जो मैंने सामान लिया था इस मतलब पेप्सी वेप्सी लेते ना मैगडी से, तो ये देते हैं तो मील में जब हम जोमेटो वगैरह से मंगवाते हैं, तो इसको मिक्स करो। अब मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि मेरी यार इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं ना, पानी पत्ते का ना किसी चीज़ का इन्होंने ना पूछा भाई कुछ भी अभी तक भी। 4:16 हो गए हैं ना, कुछ पकौड़े स्नैक्स लंच पंच कुछ नहीं आया, आदमी भूखा मर जाएगा अपना कुछ ना लेके आए तो, इसलिए भैया मैं तो अपना पहले लेके चलता हूँ बांध के। ओ क्या बना दिया भाई मैंने मास्टरपीस। ओ मैं तो इसको पी के भैया हाँ बेहोश हो गया, क्या टेस्ट है भाइयों मजा आ गया। चलो रात को तो डिनर देंगे और तो क्या, अब तक ऐसे नजारे देखते देखते मजा आ रहा है, लाइक करें बस। भैया शाम होने को आई है, बीच बीच में से सफाई करने भी आते रहते हैं, जैसे गंदगी वंदगी हम फैलाते हैं ना तो उसका भी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। ओके सर थैंक यू। भैया आप सोच रहे होंगे लग्जरी जगह कहाँ पे आ गए, इतना अच्छा मिरर, भाई लग्जरी कुछ नहीं है ये वॉशरूम मिलता है आपको एकदम ऐसे स्लीपर क्लास वाला, ये चलो ठीक है ऐसे ओके क्या करना है इसका यार, काम करो ना निकलो बाहर कॉफी पीने के बाद सुसू आ गई तो कर जाएगा था बस। भाई अब जैसे मेरे को लैपटॉप पे काम करना था तो मैंने सोचा क्या होगा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि टेबल वेबल तो रहती है, ये खाना वाना खाने के लिए यूज में आती है। बट यार जैसे आप सफाई का तो थोड़ा ऐसा ही है, अब मैं एडिट कर लेता हूँ लिटिल लिटिल सा, काम भी जरूर है ट्रेवल के साथ साथ ना। तो भैया काम करते करते हो चुकी है रात और 8:45 हो गए और यहाँ पे डिनर आ चुका है। और भाई इस ट्रेन में मेरे को अभी तक बस ये चीज मिली है, पानी वानी कुछ नहीं नथिंग, कोई 5 बजे कोई स्नैक्स विनैक्स कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ये देके गया है। और ये पूछते हैं मतलब पहले आके पूछ लिया था करीबन 5-6 बजे कि वेज चाहिए आपको नॉन वेज चाहिए, और जब इसको देने आए ना मैंने तब भी बोला था कि भाई पानी वानी कुछ लिया, ऐसे इग्नोर करके चला गया जैसे कोई आराम में कोई भीख मांग रहा हूं भाई। फिर मैंने कहा छोड़ो ना इनसे कौन बहस करूं, अपने बाहर जाके 20 रुपये के ले लूंगा कहीं स्टेशन रुकेगी, एक तो ये रुकती ही नहीं है यार ये ट्रेन, और सिग्नल से तो ऐसा रुक रही है कहीं बीच बीच में, पर ऐसे स्टेशनों पे रुकती नहीं, और स्टेशनों पे वो पता नहीं ये नकली से रुक जाती है, और पानी वानी कुछ रहता ही नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक सी विजन कहाँ से ढूंढ ढाड़ के ऐसी लेके आया था, ये देखो कैसा गैप सा है, क्या पता नहीं भिंडा सा क्या चीज़ लग रहा है इसके अंदर, ये बटन दबाऊंगा घंटी का ज़रा, कोई आता है नहीं आता ये देखता हूँ मैं। ठीक है 3-4 हल्ला दबा दियो भैया आपके सामने, लेट्स सी इफ समबडी कम्स और नॉट। दो आठ दो और दे दो ना दे दो ये यार, तो कोटा तो पूरा कर दो जब ना दिया जो, चलो ओके जब ना दिया इसका पे करना पड़ेगा। किसका? इसका दो का सबका चारों का पे करना पड़ेगा है।
किसको? तुमको? हाँ हाँ। कितना? 60 रुपया। तो ले जाओ फिर अभी। अरे सर खाने के साथ ले लेंगे, आप पहले पानी तो ले लीजिए। तो खाने का भी देना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा सर। बोले थे कौन स्विच मार दिले तो हैं उन्होंने स्विच मार दिले तो कौन दरकर चला रहे हैं उनके कौन मैसेज उठा दिया। क्या कह रहे हो? वो जो अलार्म का बटन आप दबाया था ना, इसीलिए आया था। अच्छा ये अलग है। हाँ अटेंडर है। तो इसमें खाने इंक्लूडेड नहीं रहता क्या? नहीं सर कुछ मिला कि नहीं रहते, सब अलग अलग रहते। चलो ठीक है। तो भैया ये तो मेरी गैल घनो मोटो स्कैम कर गए। मोना पता है भैया ये तो खाने को चार्ज रहे, मैं तो इतना सब ले गया था, मैं तो पेट फुल है। मुझे ये पूछने आया था शाम में, अब मैं जैसे पिछली बार राजधानी से गया था ठड़े एसी में, तब भी खाना आया था सेम, मुझे लगा फ्री रहता है। मुझे ये पता था इनका पैसा पानी का खाने का, मेरा पेट ऑलरेडी फुल है और इतने घटिया वाहियात खान, मुझे पता इनका टेस्ट कैसा होता है। मैं तो पहले इच्छा नहीं थी ये खाने की, पर मैंने फिर भी कि चलो ले लेंगे लिटिल टिलसा दो। बट भाई इन्होंने तो मेरे को उदास कर दिया, मैं इसका पे करूँगा सीरियसली। मैं चार बोतल मैं तो सोच रहा था फ्री रहती है, अब मैं इनको कहाँ लेकर डोलूँगा भैया, चार तो पीवे ना रात रात में। अच्छा अब पता चला मुझे, ये तो बस राजधानी टोरंटो शताब्दी एक्सप्रेस इनमें ही रहता है फ्री, बाकी तो भैया पैसा देना पर है। यार मैं तो स्टेशन पे वो डोमिनोज फोमिनोज चलता है, वो टेस्टी खाना खाता है ना, आजकल तो ऐसी सुविधा आ रही है कि अगले स्टेशन पे बुक कर लो खाना। तो भाई 10:51 मतलब 11 बज गए, ट्रेन रुकी हुई है सिग्नल की वजह से, कोई स्टेशन तो बाहर है नहीं। अब मैं मील अपनी खाता हूँ भाई, ये मेरे से इस नॉन वेज मील के लेते हैं 180 और वेज मील के लेते हैं 150 रुपये। प्राइस तो ठीक है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है, 150 रुपये में तो सही है यार, चार बोतल 60 रुपये मतलब वो मेरे से रुपये ले गए इतने। एक एक करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। वेज में आपको मिलता है भाई पनीर और अब उसमें चिकन करी और फिश करी होती है, उसमें तो आपको पता है फिर मुर्गा वर्गा मिलेगा। इसके अलावा ये तो रेडीमेड है, इसमें एक साइड छोले हैं और कढ़ी है भाई, कढ़ी नहीं पानी लग रहा है मुझे तो, और चावल हैं, इनमें से मैं चावल तो मैं खाता ही नहीं। और ये हो गई भैया रोटी, सॉरी भाई ये दाल है, पर दाल सी लग तो रही नहीं है मुझे, ये तो दाल ही आ रही है भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। और ये दो रोटी, मैं तो रोटी खाऊंगा बस, मैं रोटी बताऊं भैया ने गिन के, अभी सस्ता है मतलब यार रेल का खाना 150 रुपये में, तीन ना दो हैं बस, दो ही परांठे से दिए भाई ने। ठीक है टेस्ट करके बता देता हूँ भैयाओं को स्टेटमेंट में, एज एक्सपेक्टेड बिलो एवरेज, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं, मैं टाइम पास है, पेट भर जाएगा। तो भैया खा पी के मैं तो आ गया ऊपर, 12 बजने वाले हैं, मैं ऊपर आके देखा यहाँ पे भी एक लैंप है पर ये तो जलता ही नहीं है, वो है एयर इंडिया इंडियन एक्सप्रेस। भाई खाना इतना इतना बेकार था, मुझे पता है भाई देखो खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर वो एक रिव्यू रहता है ना कि पैसे ही हम दे रहे हैं बाहर से लेके आओ, क्या बोलूँ भाई। मैं खाना खुद वेस्ट नहीं करता पर मैंने ऐसे क्या बोलूँ, इतना गंदा टेस्ट, इतना गंदा टेस्ट, कोई तो चीज़ स्वाद हो बनाई क्यों रहे हो भाई, उसमें 2-4 मिर्च मसाले एक्स्ट्रा डाल दो कुछ घिस जाएगा तुम्हारा। छोड़ो इन सब नेगेटिव बातों को, यहाँ से करता हूँ भैया मैं तो लाइट बंद और सोता हूँ, गुड नाइट, कल मिलता हूँ भाइयों को सुबह 7 बजे, मेरे को उतार देगी, 6:45 का अलार्म बज लिया है, कभी मैं सोता ही रह जाऊँ, गुड नाइट। अभी तो खैर यूट्यूब देखूँगा थोड़ी देर 5-10 मिनट, तभी नींद आती है, बाय। भाइयों को गुड मॉर्निंग, भाई सुबह मैं उठा जैसे ही 7 बजे, मुझे लगा अरे भैया ट्रेन तो पहुंच गई होगी, चलो चलो चलो, रुकी हुई थी एक स्टेशन पे पिछली, मैंने देखा ऐप वेप चेक करके तो 2 घंटे 12 मिनट लेट हो चुकी है, कहीं पीछे स्टेशन पे ही खड़ी थी, अब मैं उठ गया, मैं कह रहा अरे यार अच्छा वाला सो जाता इससे बढ़िया था। खैर अभी आया मैं, इसमें वेस्टर्न भी होते भाई, मुझे मैंने आपको कल नहीं दिखाई, ये इंडियन ही बाहर का नज़ारा देख लो, उड़ीसा में घुस गया हूँ मैं, उड़ीसा देख लो ऐसा होता है भाई, तो यहाँ पे भी है, वो भी क्यों ना, ये देखो ये कर रहे हैं हर जगह ही करते हैं, पोल्यूशन सा तो तबाह क्यों कर रहे हैं भाई, चार चार कोई नहीं भाई, देखते हैं। और भैया इसी के साथ 10:22 पे यानी करीबन अपने टाइम से 3-3.5 घंटे
लेट से हम पहुंचे हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। ये देख लो ये भुवनेश्वर, यहाँ बाहर भी लिख रहा है भाई जगह 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 जगह। देखो मैंने कैसे फिसलने पे फैला दिया यार यहाँ पे। ये बना रहा था कॉफी अपनी, बिखर गई कॉफी गलती से, ये झटके से लेती है ट्रेन, तो भैया हो गया काम। चलो भाई हमने तो आराम कर लिया था। और ओके जी ठीक है थैंक यू। अब भैया लाइट भी बंद हो जाती है उधर से ही, अब ट्रेन आराम कर लेगी थोड़ा सा। चलो ये आ गए हम फाइनली। तो चलो भैया भुवनेश्वर पहुंच गया हूँ। ये मेरी ट्रेन कुछ ऐसी थी, ये था फर्स्ट क्लास का। मैं भुवनेश्वर आया क्यों हूँ उड़ीसा में वो मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरी ट्रेन की जर्नी यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, अब मेरे को एक और कुछ चीज़ और पकड़नी है भाई। अपनी डेस्टिनेशन 2 घंटे दूर अभी और है। ये ट्रेन ने बस यहीं तक का साथ दिया था, इमरजेंसी में बुक करनी पड़ी थी। ये अभी RWL जो वेटिंग होती है वो भी 5-6 थी, फिर भी पता नहीं कन्फर्म हो गई थी फर्स्ट एसी में। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब उसमें बताऊंगा पूरा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।